पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट, और इस मैच में एक बार फिर से उम्मीद थी कि बाबर आजम आएंगे, रन बनाएंगे, लेकिन बाबर आजम एक बार फिर फ्लॉप हुए और जैसे ही वो आउट हुए उसके बाद यूजर्स ने ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट एक यूजर ने तो ये लिखा कि बाबर आजम को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, रिटायरमेंट की मांग कर दी। बाबर आजम ने सेकंड टेस्ट की फर्स्ट इनिंग में सिर्फ 31 बनाए, 77 बॉलों का सामना किया और इस दौरान उन्होंने दो चौके जरूर लगाए और बड़े अच्छे लग रहे थे, अच्छे उनका फुटवर्क दिखाई दे रहा था और लगा था कि भाई आज तो बाबर आजम पक्का चलेंगे, क्योंकि जब आपको स्टार्ट मिल जाए उसके बाद जब आउट हो तो फिर सवाल उठते हैं और इनफैक्ट उनकी बैटिंग पर अब बहुत सारे सवाल उठ गए। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, लास्ट 15 इनिंग अगर आप देखोगे टेस्ट मैचेस की, उनकी एक हाफ सेंचुरी तक नहीं। तो ऐसे में जो यूजर्स हैं अलग अलग तरीके के सवाल उठा रहे हैं बाबर आजम की बैटिंग पर। आज भी अगर आप देखेंगे शाकिब उल हसन की गेंद पर वो आउट हुए और शाकिब उल हसन की जो गेंद थी वो थोड़ी नीची रही थी और बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए, तीनों स्टंप्स के सामने पाए गए और आउट होकर पवेलियन से लौटे। और अगर देखा जाए पाकिस्तान ने जो ये फर्स्ट इनिंग है यहाँ से पाकिस्तान लोअर मिडिल ऑर्डर पर ज़्यादा रिलायबल होगा कि यार नीचे से आकर बैटिंग करें, बल्लेबाज रन बनाएं, क्योंकि ये मैच उनके लिए डू एंड डाई वाला मैच है। क्योंकि अगर ये हारे तो फिर वैसे तो 1-0 से ऑलरेडी पीछे हैं, ये फिर बुरी हार होगी क्योंकि 2-0 से हार जाएंगे। सिर्फ दो ही टेस्ट हैं बांग्लादेश वर्सेज पाकिस्तान के और यहाँ पर भाई पाकिस्तान को ये मैच हर हाल में जीतना होगा। लेकिन जहाँ तक बाबर की बात है, बाबर का खराब फॉर्म इस वक्त जारी है और काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आगे गेंद को पीछे खेलते हैं। कहीं ना कहीं बाबर के भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं आप, और कई सारे सवाल उनके मन में होंगे कि यार मुझे अच्छा करना है, अच्छा करना है। भाई लीन पैचेज आते हैं, हर एक बैट्समैन के आते हैं, बड़े बड़े बैट्समैन के आते हैं, लेकिन अब तो बाबर को कहीं ना कहीं रन बनाने होंगे सेकेंड इनिंग में, क्योंकि अगर बाबर ऐसे ही फ्लॉप होते रहे तो फिर यू नेवर नो क्या पता बाबर आजम का क्या हाल होगा। क्योंकि एक समय तो बाबर आजम की कंपेयर होती थी ना विराट कोहली के साथ कि यार बाबर आजम विराट कोहली के जैसे बैट्समैन हैं, लेकिन देखिए विराट कहां पर है, बाबर कहां पर है आज, इनफैक्ट आप सबको ही पता चल गया होगा। वैसे आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं क्योंकि फैब फोर की बात करते हैं जहां पर जो रूट देखिए ना, श्रीलंका खिलाफ उन्होंने शानदार 100 बनाया। इनफैक्ट विराट कोहली जब आएंगे, बांग्लादेश के साथ ही इंडिया के मैचेस होने हैं दो टेस्ट मैच की सीरीज, तो वहां पर विराट भी अच्छा करेंगे। लेकिन जहां तक बाबर की बात है भाई, बाबर पहला टेस्ट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर डक पर आउट हुए थे फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में सिर्फ 22 रन बना सके थे और आज सिर्फ 31 बनाए हैं। यानी कि जो ये लगातार उनका फ्लॉप शो है वो अब तक जारी हमें देख ही रहे हैं हम हर रोज़, कि जैसे ही वो आते हैं आउट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बाबर आजम को अच्छा करना होगा, अच्छा इंटेंट दिखाना होगा, अपने आप पर कॉन्फिडेंस लेकर आना होगा, क्योंकि जब तक आप थोड़े से सहमे सहमे नज़र आएंगे, जब तक आप कहीं ना कहीं उनका जो कह रहे कॉन्फिडेंस पर हिला हुआ बाबर आजम का, इसलिए उनको वापस गेम में आना होगा और अपनी इंपॉर्टेंस समझनी होगी, विकेट की वैल्यू समझनी होगी। अगर वो टिककर खेलेंगे, क्योंकि नो डाउट बाबर आजम के पास वो टेम्परामेंट है, वो क्लास है, और जैसे ही वो बैटिंग करते हैं भाई, पाकिस्तान अगर इस वक्त अपनी धरती पे खेलता है तो पाकिस्तान को पाकिस्तान में तो अच्छा करना चाहिए। और ये भी हकीकत है दोस्तों, जब बाबर अच्छा करते हैं तो इनकी टीम भी अच्छा करती है, तो इसलिए बाबर आजम को अच्छा करना होगा। लेकिन वाकई ये एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट है क्योंकि बांग्लादेश वो टीम है दोस्तों, थोड़ी हल्के में ली गई थी, लेकिन इस बांग्लादेश की टीम ने भाई कहीं ना कहीं आईना जरूर दिखाया पाकिस्तान की टीम को, क्योंकि पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराया पहला टेस्ट 10 विकेट से, और अब सेकेंड टेस्ट में भी भाई रोमांचक मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि बांग्लादेश इतनी आसानी से नहीं हारेगा। अगर वो ड्रॉ भी करा लेगा तो फिर, अगर ड्रॉ कराते हैं तो फिर बांग्लादेश की भी जीत होगी, सीरीज 1-0 से जीत जाएंगे। अगर वो जीत गए तो फिर इतिहास रच देगी बांग्लादेश की टीम, और क्या पाकिस्तान ये टेस्ट बचा पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट कर दीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।